दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सीएलसी द्वारा आयोजित स्कॉलरशिप एग्जाम। हाँ दोस्तों, राजस्थान में 1 दिसंबर को आपके अपने सीएलसी एडमिशन कम स्कॉलरशिप के नाम पे एक एग्जाम आयोजित कर रही है, जो शॉर्ट में कास्ट के नाम से जो लॉन्च किया हमने। ये एग्जाम 1 दिसंबर को है। राजस्थान में ऑलमोस्ट 250 सेंटर्स पे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के तहसील और हर छोटे कस्बे तक एग्जाम होगी। इस एग्जाम में कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है? 10th और 12th। 10th का बच्चा, 12th का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। 10th के बच्चे के 40 क्वेश्चन 10th की साइंस से हैं, 40 मैथ से हैं, 20 क्वेश्चन जीके से आएंगे। आप 12th के स्टूडेंट हैं, 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 10 जीके से। हाँ, 10th में ओनली 10th का सिलेबस, 12th में ओनली 12th का सिलेबस। हाँ, इसमें आरबीएससी सीबीएसई का सिलेबस जो है उनका मिक्स रूप हम लोग लेंगे, क्योंकि बच्चा आरबीएससी का भी होगा इसमें, बच्चा सीबीएसई का भी होगा। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। एग्जाम 1 दिसंबर को 10 से 12 बजे के बीच है। इसके फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है। 1 तारीख को एग्जाम के बाद 2 तारीख को इसकी आंसर की डिस्प्ले कर दी जाएगी। 15 दिसंबर को इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर बात आती है सब फॉर्म कहां से मिलेंगे। दोस्तों इसके फॉर्म 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 नवंबर से ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन कहां से मिलेंगे? तो दोस्तों 22 तारीख से पहले राजस्थान के प्रिंट मीडिया में, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों अखबारों में आपके नजदीकी सेंटर के एड्रेस आ जाएंगे। आप वहां जाके फॉर्म कलेक्ट करके आप वहां ही सबमिट कर दें। बात आती है फॉर्म के साथ सबमिट क्या कराना है, तो आपको अपने 2 फोटो लेके आनी है, अपना आधार कार्ड लेके आना है। और इस वर्ष आप 10th और 12th में बैठ रहे हैं, इसका कोई एक सबूत जो कह सकते हैं अपने स्कूल का परिचय पत्र ले आए, या आप 9th या 11th की मार्कशीट की फोटोकॉपी वहां जमा करा दें। दोस्तों ये एग्जाम किस मकसद से कराया जा रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। हमारा मकसद है सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, या अपने भाषा में कहूं कि झोपड़ी में बैठी जो खोपड़ी है उनके त्रास के लिए इस तरह के एग्जाम का हम आयोजन करते हैं। गांव से बैठे गुदड़ी के लालों के त्रास हम लोग करते हैं। तो इस एग्जाम को आपको देना चाहिए, जिससे आप उभर के सामने आएंगे, निखर के सामने आएंगे। और उसके एवज में आप सीएलसी में जब एडमिशन लेते हैं तो संस्था आपको स्कॉलरशिप देती है। इस एग्जाम के माध्यम से आप सीएलसी में एडमिशन लेने पर 100% स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार मेरी बात को समराइज कर दूं, राजस्थान संपूर्ण में एग्जाम होने जा रहा है, 1 दिसंबर का एग्जाम है, टाइम 10 से 12 है, 22 तारीख से फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 28 की शाम तक आपको फॉर्म सबमिट करने हैं। फॉर्म ऑफलाइन भी हैं, फॉर्म ऑनलाइन भी हैं। एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम निःशुल्क है, और राजस्थान में ऑलमोस्ट 250 टेस्ट सेंटर पे इस एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट clcparivar.in पे आप जाके बात कर सकते हैं। 22 नवंबर के बाद, 22 नवंबर को हम इसको एक साथ लॉन्च करेंगे। हाँ, ये वीडियो 22 के पहले हम अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो 22 नवंबर से पहले आप देख रहे हैं, तो अगला सारा प्रोसेस स्टार्ट 22 नवंबर से होगा। और दोस्तों कंटिन्यू मेरी बात को और आगे रख दूं, यही एग्जाम 8 दिसंबर को हरियाणा में होगी। जो मन राजस्थान के लिए बोला है, सेम पैटर्न सेम प्रोसेस, बस केवल डेट 8 है, अगली डेट चेंज होंगी। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस एग्जाम को आप तो दें ही दें, आप उन सारे बच्चों को मोटिवेट करें जो आईआईटी और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो सीएलसी जैसे संस्था के साथ अपने टेस्ट को देके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं राजस्थान में कहां खड़ा हूं, राजस्थान मेरा क्या स्टेटस है, मैं अपने रिजल्ट को और कैसे बेटर कर सकता हूं। एक बार आप सबको शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको सफलता मिले। 1 दिसंबर को सीएलसी की टीम आपका इंतजार करेगी। थैंक यू। जय सीएलसी।